मुंबई से हारने के बाद श्रेयस अय्यर ने बोली इतनी बड़ी बात सुनकर आपको भी होगी हैरानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए आईपीएल 2019 के 34वें मैच में मुंबई ने दिल्ली को 40 रनों से हरा दिया। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए और दिल्ली को 169 रनों का लक्ष्य दिया। कुणाल पांड्या ने सर्वाधिक 37 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में कुणाल के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 32 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं 169 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 128 रन ही बना सके, जिसका कारण मुंबई इंडियंस इस मैच को 40 रनों से अपने नाम कर लिया। मुंबई की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल चहर ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि चहर के अलावा जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट अपने नाम किए। वहीं मुंबई से हारने के बाद दिल्ली के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बड़ा बयान दिया। दरअसल मुंबई से हारने के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमारे लिए घरेलू खेल जीतना महत्वपूर्ण है, खास करके इन विकेटों पर। आज हम टॉस हार गए और उन्होंने हमें तीनों विभागों में मात दी, उन्हें इस जीत का श्रेय। हम नेट पर अभ्यास करते हैं और ये विकेट धीमी भी है, जब आप यहाँ आते हैं ये पूरी तरह से अलग है। श्रेयस अय्यर ने आगे कहा कि हमने पीछा किया होता तो ये हमारे दिमाग में था, लेकिन हम अपने सभी खेलों में पीछे रह गए। हमने आज के इस विकेट पर 20 रन अधिक दिए। जहाँ तक डेथ ओवरों का सवाल था, काफी चिंता थी। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, गेंद रुक रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।